तो गाइस इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक IR सेंसर, 5mm LED और एक 1K का रेजिस्टेंस। तो चलिए बनाने इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार उससे पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना और आपको यहाँ पर डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस ये काम आपको जरूर कर लेना है। तो चलिए अब काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको IR सेंसर की फर्स्ट नंबर पिन पर सोल्डरिंग कर लेनी है और आपको 5mm की जो आपने LED ली थी उसके माइनस वाले पॉइंट को यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब आपको IR सेंसर की जो थर्ड नंबर की पिन है और LED की पॉजिटिव पिन है उस पर आपको 1K की रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से सोल्ड करनी है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो गाइस इतना करने के बाद ये हमारा 50% काम जो है ओके हो चुका है। अब यहाँ पर जो है 50% काम अभी रह गया। तो गाइस अब जो IR सेंसर की दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की पिन है, बीच वाली पिन पर आपको ब्लैक वायर और थर्ड नंबर की पिन पे आपको एक ऑरेंज कलर का या रेड कलर का वायर लगा देना है जो कि दोस्तों हमारी ये बैटरी में लगेंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक बैटरी ले लेते हैं जो कि हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो इसके जो है प्लस माइनस के हम कनेक्शन कर देते हैं और आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। गाइस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने प्लस वाले पॉइंट जो वायर है हमने उसको सोल्ड कर लिया है। अब इसी तरीके से हम माइनस वाली साइड पर ब्लैक कलर का वायर को सोल्ड कर देते हैं और सोल्ड करने के बाद आपको बता देते हैं कि कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इसको घर पर बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा और आपके रिमोट को पता पड़ जाएगी। दोस्तों आपको पता पड़ जाएगा कि हमारा रिमोट सही है या ख़राब। आप इसको टेस्ट करने के लिए आप घर पर बना सकते हो। तो गाइस ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। तो चलिए अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रिमोट और आप देख सकते हो हमारे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है। लेकिन यार मैं इसकी LED को थोड़ा ऊपर की साइड में मोड़ देता हूँ जिससे कि आपको देखने में वीडियो में आसानी हो। तो गाइस वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने रिमोट के बटन को दबा दिया है और इसकी लाइट जो ग्लो कर रही है मतलब हमारा रिमोट बिल्कुल ओके है। और जो आपका रिमोट का बटन ख़राब होगा उस पर अगर आप ये लाइट ग्लो ना करें तो आपको ये भी पता पड़ जाएगा। दोस्तों मैंने अभी लाइट बंद कर दी है जो कि यहाँ पर ऊपर की साइड जल रही थी। तो अंधेरे में आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको क्या समझ में नहीं आया ये भी कमेंट करके बताना। आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। और गाइस अगली वीडियो कौन सी लाऊं ये भी कमेंट करके बता देना। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।